सूजी और बेसन की मिठाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम बची हुई चाशनी से स्वादिष्ट सूजी और बेसन की बर्फी बनाएंगे। तो चलो हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन में 5 चम्मच घी ले लिया है और हमने गैस को चालू कर दिया है। इसको गर्म होने देते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी को सेक लेते हैं। लगभग 1 कटोरी सूजी, इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं सीम आंच पर। हमारी सूजी सिक चुकी है। लगभग 5 मिनट तक ही सेकेंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम इसे। अब हम बेसन को सेक लेते हैं। 1 कटोरी बेसन लिया है हमने इसमें और इसको भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा बेसन और सूजी दोनों सिक्के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, कुछ काजू और किशमिश, और आपके पास इलायची हो तो इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी चाशनी ऐड कर देते हैं। बची हुई चाशनी को हमने इसमें डाल दिया है। चाशनी ऐड हो चुकी है। अब हम इसे लगभग 4-5 मिनट के लिए गैस करके पका लेंगे। लगभग 5 मिनट के लिए हमने इसे सिम आंच पर पका लिया है और हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। सूजी और बेसन की स्वादिष्ट बर्फी का बैटर बनकर रेडी है। अब हम इसे थाली में सर्व करते हैं। थाली में सर्व करके इसे फ्लैट कर लेंगे 1 चम्मच की सहायता से और इसे फ्रीजर ठंडा होने के बाद फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी मिठाई जमकर तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ी सी गीली है और जमने देते हैं। हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। सूजी और बेसन की मिठाई बनकर तैयार है।